कोरबा जिले में चलाए जा रहे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रही हैं कोरबा कलेक्टर रानू साहू जी। हेलो हेलो रानू जी, नमस्कार। हेलो, हमारा संपर्क अभी भी नहीं हो पा रहा है। रानू जी नमस्कार। हेलो 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 जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं रानू साहू जी, जल्दी हम हमारे साथ जुड़ेंगी फ़ोन लाइन पर। हेलो हेलो रानू जी नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। रानू जी, वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, और कोरबा जिले में लाभार्थियों को कितना लाभ मिल पा रहा है इस योजना के जरिए? कोरबा जिले में कुल राशन कार्ड धारक की संख्या 304,000 है, और जिसमें से बीपीएल राशन कार्ड 264,000 है, एपीएल राशन कार्ड धारी 39,000 कार्ड धारी है। हमारे जिले में 99% कार्ड धारियों के राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जा चुका है, और आधार से लिंक होने के बाद वन नेशन वन कार्ड योजना से हितग्राहियों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। जी। इस योजना में प्रमुख तौर पर श्रमिक परिवारों को किसी भी शासकीय राशन दुकान से राशन लेने की सुविधाएं मिल रही हैं। जी रानू साहू जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस योजना का लाभ जो प्रवासी श्रमिक है वे भी उठा सकते हैं, और कितने लाभार्थी हैं जो कि प्रवासी हैं और कोरबा जिले में उनको ये इस योजना का लाभ मिल पा रहा है? जी निश्चित रूप से, हमारे जो है श्रमिक परिवारों को ध्यान में रखते हुए या बीपीएल परिवारों को ध्यान में रखते हुए ये शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिक कार्य के दौरान किसी अन्य राज्य में अगर प्रवास कर रहे हैं तो उनके राशन कार्ड जो है वो आधार से लिंक करके हर राशन दुकानों में पॉश मशीन दिया गया है, वहां अपने आधार नंबर बता के फिंगरप्रिंट और आरएस के माध्यम से जो है वो अपना पहचान करा सकते हैं और अपने हिस्से का राशन जो है वो ले सकते हैं, देश के किसी भी राज्य से ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी रानू साहू जी आपने। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी मैडम कि जो लोग इस महत्वाकांक्षी योजना से छूट गए हैं उनको इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है, किस प्रकार की पहल की जा रही है, क्या कुछ शिविर लगाए जा रहे हैं? जी निश्चित रूप से, इसमें कुछ मात्र 1% लोग हैं जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक होना बाकी है, और ये ऐसे लोग हैं जिनके कई बार फिंगरप्रिंट जो है वो घिस जाए होते हैं, जिसके कारण हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं और आधार नंबर नहीं बन पा रहा है और हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नॉमिनी के माध्यम से जो है उनके हम कर रहे हैं, और शिविरों के माध्यम से भी ऐसे लोगों के राशन कार्ड जो है आधार के माध्यम से लिंक किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए मैम, धन्यवाद।